आश्रम में बने चंबल घाटी बिनोवा भावे मिशन का कार्यालय पर लगा बैनर दबंगों ने फाड़ दिया। आश्रम में कई वर्षों से रह रहे सुरेशानंद महाराज का कहना है कि हमारे आश्रम में कई बार तोड़फोड़ भी की गई और आग भी लगाई गई। कुछ अजाजक तत्वों द्वारा आश्रम में हमला किया गया है और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। बिनोवा भावे चंबल घाटी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गीतम सिंह का कहना है कि आश्रम में 25 वर्षों से हमारे क्षेत्रीय कार्यालय है, जहां कुछ दबंगों लोग आश्रम पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी शिकायत डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक हो चुकी है, लेकिन सत्ता के दबाव में हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज़ादी के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस संस्था को मान्यता दी थी। आचार्य बिनोवा जी की गांधी जी के शिष्य थे। राष्ट्रपति जी ने बिनोवा जी को मिशन कार्यालय सौंपा था। वे संस्थान कार्य सुधारक विचार पर कार्य कर रही है। हमारे आश्रम में कभी आज के 8 साल पहले कुछ अराजक तत्वों ने, ये जिम्मेदारों ने आग लगवा दी थी, तोड़फोड़ की थी, उसकी हमने कंप्लेंट करी शासन प्रशासन को, कई प्रतियां मेरे पास। जब किसी ने नहीं सुना तो बैठ गया मैं, इतना पैसा भी नहीं था और जहां जाओ तहां पैसा की मांग की जाती है। कल फिर ये हमारा मिशन है चंबल घाटी का, हम काफी समय से सदस्य हैं उसका, काफी समय से यहाँ कार्यालय चल रहा था। कल कुछ अराजक तत्वों ने, कुछ नाम दर्ज लोग हैं उसमें, जिसमें रामाधार का एक लड़का है, कुंदन है, और एक शाश्वत नाम का पंडित है कोई, मैं विशेष तौर से नहीं जानता हूँ, और 4-6 अराजक तत्व और थे शामिल। उन्होंने ये बैनर की तोड़फोड़ की, आग लगाने की धमकी दी। एक एसआई भी सामने मौजूद था, उसके सामने एक लड़का उसमें शाश्वत नाम का बोल रहा था कि बाबा पाकिस्तानी एजेंट है। हमने की इसकी भी जांच होना चाहिए, और फिर उसने कहा कि एक हथगोले में तेरा मेंटल समय लग जाएगा, पता नहीं चलेगा, और गाली गजौट करते हुए, और वो एसआई सुनता रहा खड़ा खड़ा। हम इसके बारे में ये कहेंगे, ये जानबूझ के, ये जो बगल में जमीन है, इन लोगों का कहना ये है कि ये जमीन मेरी है, लेकिन ये जमीन इनकी कतई नहीं है। आज तक जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक इन लोगों ने हर जगह ये जो सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, जो आज उनके महल दुमंजिले तिमंजिले बने खड़े हैं, वो इसी तरह से बने खड़े हैं। कोई भी बाबा, कोई भी छोटा आदमी, कोई भी बड़ा आदमी, यानी इस जगह पर रहने न पाए, हमारा ही अधिकार हो। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ का पुलिस प्रशासन और जो तहसील के छोटे कर्मचारी होते हैं, वो इसमें सबसे ज्यादा दखलंदाजी देते हैं, और वही कहते हैं कि नहीं, ये जमीन उनकी है, उनको ही दी जाएगी, आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। जैसे कल की जो घटना हुई, उसमें शेरपाल दरोगा अगर न आते तो बैनर नहीं फटता, बैनर नहीं फाड़ा जाता, लेकिन दरोगा जी ने यहाँ खड़े होके तो उस बैनर को फड़वाया। आपको कहीं प्रशासन की वजह है भाई, उसकी वजह ये है कि हमारे जो संस्था है, हमारी बिनोवा भावे मिशन, बिनोवा जी ने अनेकों अनेक सामाजिक कार्य किए। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, भूदान आंदोलन की जो जमीन है भूदान समिति के नाम से दर्ज है। मैंने इटावा जिला अधिकारी एवं प्रशासन, मुख्यमंत्री जी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार लिखित दी कि बिनोवा भावे मिशन की जो भी भूदान समिति की भूमि है उसको दी जाए, बिनोवा भावे मिशन अपनी कार्यालय बनाने चाहती है, पर शासन प्रशासन ने कोई आज तक सुनाई नहीं की। इसलिए मैंने यहाँ पर मेरा कार्यालय, मेरे बाबा जी जो है वो प्रदेश संयोजक है, सुरेशानंद महाराज जी हमारे प्रदेश संयोजक हैं चंबल घाटी बिनोवा भावे मिशन से, और यहाँ पर पुराना कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय था। ये जमीन पीडब्ल्यूडी में आती है, किसी के मतलब पैतृक संपत्ति नहीं है, पर अराजक तत्व लोग अपनी दर्शाते हुए ये बैनर फाड़ा गया है कि मेरी जमीन पर चंबल घाटी कब्जा कर।